अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूँ बुशरा। वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल पर बुशराज व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शाही टुकड़ा। बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही ईजी वे से बनाया है। शाही टुकड़ा बनाने का ये भी एक तरीका है। शाही टुकड़े और भी कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक लीटर दूध लिया है मैंने। दूध गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद फिर से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी। और इसमें जो मलाई जमती जाएगी उसे भी मैं दूध में ऐड करती जाऊँगी और मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर इलायची पाउडर में दूध को पकाने के बाद अब मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा केसर ऐड करने के बाद फिर से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पर ही इसे पकाती जाऊँगी। दूध का कलर चेंज होने तक मैं इसे पका रही हूँ, तो मैंने गैस की फ्लेम को लो ही रखा है और इसी तरह इसे मैं मिक्स करते हुए पका रही हूँ ताकि जो साइड में मलाई जमती जाएगी उसे भी मैं दूध में मिक्स करती जाऊँ। थोड़ी देर इसे पकाने के बाद इसका हल्का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। एक कप चीनी मैंने ली थी, 8 से 9 चम्मच मैंने चीनी इसमें ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करने के बाद फिर से मैं इसे पका लूँगी लो फ्लेम पर ही मिक्स करते हुए। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें मावा ऐड कर रही हूँ। मावे की जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच मिल्क पाउडर लेके उसमें ठंडा दूध ऐड करना है, या दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे दूध में ऐड कर देना है। मावा पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। मैंने बादाम पिस्तों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके ये शाही टुकड़ा रेडी होता है। घर में आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसे पका लेती हूँ ताकि इसका जो कलर है वो और चेंज हो जाए। यहाँ पर इसका कलर जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पर ब्रेड ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 2 स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के, उसे पीस लिया है और वो ऐड कर दिया ताकि जो ये दूध है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और रबड़ी बन जाए। तो इसे अब मैं लो फ्लेम पर और पकने दूंगी। इसमें अच्छा उबाल आ जाएगा। उसके बाद मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। तो केवड़ा वाटर का मैंने 1 से 2 ड्रॉप ही ऐड किया है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी वरना इसमें कड़वापन आ सकता है। केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। दूध को मैंने काफ़ी देर तक पकाया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है ये। जितना मुझे गाढ़ा चाहिए मैं उतना इसे पकाती जाऊँगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इतना गाढ़ा मैंने इसे कर लिया है। मैं इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि ये रबड़ी ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे इसी तरह से 1 मिनट के लिए मिक्स करती जाऊँगी। तो ये रबड़ी तो रेडी हो गई है, इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है और इसी के साथ साथ 2 छोटे कप पानी ऐड कर दूँगी मैं इसमें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 हरी इलायची और इसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड कर दूँगी कलर के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने केसर का ही इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे पका लूँगी तब तक जब तक कि ये चाशनी नहीं बन जाती। इसमें जैसा जैसा उबाल आता जाएगा, पकता जाएगा ये, इसका कलर भी बहुत अच्छा होता जाएगा। मैं चेक कर लेती हूँ, इसमें हल्का हल्का चिकनापन आना चाहिए। तो मैं इसे और थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ।
और ये रेडी हो गई है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और अब मैं ब्रेड को फ्राई करके ले लूँगी। तो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करती जाऊँगी और ब्रेड को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर घी में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डीप फ्राई नहीं किया है। मैं थोड़ा थोड़ा सा ही घी इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करके ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो फ्राई करके ले लिए हैं। ब्रेड के स्लाइस जब भी फ्राई करूँगी मैं, तो मैं इसे फ़ौरन से पलटती जाऊँगी। कंटिन्यूसली मैं एक साइड इसे फ्राई नहीं होने दूँगी, वरना ये जल जाएगा, और अगर ये जल जाएगा तो इसमें कड़वापन आ सकता है। इसीलिए मैं इसे टर्न करते हुए ही फ्राई करूँगी। बस इतना ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस। बहुत ज़्यादा मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी। और अब मैं इसे निकाल लूँगी, इतना ही मैं इसे फ्राई करूँगी और गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं गैस की फ्लेम को बंद करके ही इसे निकालूँगी, वरना जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है वो डार्क हो सकता है। तो बस इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा घी ऐड करती जाऊंगी और ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसे फ्राई कर लूंगी। और जब वो फ्राई हो जाएंगे तो मैं गैस की फ्लेम को बंद करके ही इसे निकालूंगी। और यहाँ पर मैंने फ्राई करके ले लिया है ब्रेड के स्लाइसेस, और जो मैंने चाशनी बनाई थी शक्कर की, उसमें ब्रेड के स्लाइसेस को ऐड करती जाऊंगी और इसी तरह से इसे डुबा डुबा के निकालती जाऊंगी। एक बारी में जितना शाही टुकड़ा खाना है बस मैं उतने ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नरम होने के बाद भी ये अच्छे लगते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्रिस्पी क्रिस्पी खाने का मज़ा बहुत अलग आता है। तो इसीलिए मैं इसे क्रिस्पी ही रख रही हूँ और क्रिस्पी ही सर्व कर रही हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर शाही टुकड़े जो मैंने चाशनी से निकाल लिए हैं उससे मैं प्लेट में लगा दूँगी। और जो रबड़ी मैंने बना के रखी थी वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी। जब आप शाही टुकड़ा बनाते हैं, जब इसे सर्व करते हैं, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर आप एक स्लाइसेस खाएंगे तो आप दूसरे के लिए वेट नहीं कर पाएंगे, इतना टेस्टी बन के ये रेडी होता है। बहुत ही आसान है, बन के रेडी हो जाता है और टेस्ट में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ मैं, तो मैंने थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं और पिस्ता भी मैं इसमें ऐड करूँगी। मेहमानों के लिए इससे ज़बरदस्त डेज़र्ट कोई नहीं हो सकता। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, थैंक यू सो मच। ऐसे ही टेस्टी और यमी रेसिपीज़ के लिए बने रहें मेरे चैनल पर बुशराज व्लॉग्स में। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।